अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रायका का जायका। आज हम आपके साथ रोट की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये हैदराबादी दम के रोट की रेसिपी है। इसे हम दो तरीके से बनाने वाले हैं, एक तो हम इसे तवे पर बनाएंगे और दूसरा हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। इन्हें आप कुकीज़ भी बोल सकते हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल उसी तरह होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा कप रवा लेंगे, ये महीन वाला रवा है। अगर आपके पास मोटा वाला हो तो उसे थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लें। उसके बाद आधा कप मैदा डालेंगे, आधा चम्मच इलायची पाउडर और दो बड़े चम्मच भर के हम टेबल स्पून करी पाउडर, दो टेबल स्पून भर के कुटे हुए मेवे, एक टेबल स्पून खसखस और आधा कप हम इसमें पिसी हुई शक्कर डाल देंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा और दो टेबल स्पून ऐड कर लें। उसके बाद आधा चम्मच केवड़ा एसेंस डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच मीठा सोडा और दो पिंच इसमें नमक डालेंगे। इन सबको डालने के बाद इसमें हम 1/4 कप घी ऐड करना है और इन सभी को डालने के बाद हमें सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह से हाथ से। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए और इसे हम स्पून से इस तरह से मिक्स करते हुए एक थिक सा बैटर बना लेंगे। बस इसे हमें इस तरह से गीला करके इकट्ठा करना है और हम इसको अब कवर करके आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए रख दें, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स रखा है। और आप देख सकते हैं इसने एक डो फॉर्म ले लिया है, फूल गई है सूजी बहुत अच्छे से। अब हम इस हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये हाथों पर चिपके नहीं और इसे मसल कर एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और मसलने के बाद अब हम इसके बॉल्स बनाने हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये फ्लैट कर देंगे पतले से। इन्हें हम तवे पर बनाने वाले हैं। अगर आप तवे पर बना रहे हैं तो इन्हें पतला बनाएं, बहुत ज़्यादा मोटा ना बनाएं। साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख लें जैसा आपको पसंद हो, इस तरह से। और अगर आपको बेक करना है तो उसे बहुत ज़्यादा पतला ना करें, इस तरह से बस छोटे छोटे से फ्लैट करके हम बना लेंगे। सभी यहाँ पर बन चुके हैं। अब इनमें हम ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से खसखस भी डाल देंगे, आप वाइट तिल भी डाल सकते हैं। और इन्हें हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये निकले नहीं। और बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे, कढ़ाई में नमक डालेंगे। नमक से जो हीट होती है वो एक बराबर पूरे बर्तन पर लगती है, इसलिए थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कर लें। और इसे 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। उसके बाद इसमें एक स्टैंड रखेंगे केयरफुली, बहुत ही गर्म है ये। और अब एक प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा स्पेस देते हुए रखें क्योंकि ये अभी फूल कर बड़े हो जाएंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं। और इस तरह प्लेट रख कर हम इसे कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। और जब तक ये बेक हो रहा है तब तक हम आपको तवे पर भी बनाकर दिखा देते हैं। तवे को गर्म करेंगे अच्छे से और इसमें एक छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद इस तरह से रोट रख देंगे और इसे हम आधा से 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से सेकना है। हाई फ्लेम पर ना सेके, नहीं ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर कच्चे रह जाने हैं, इसलिए इसे लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे करके सेकें। और इस तरह पलटेंगे, जब इस तरह से कलर आने लगेगा तब हमें उलट पलट कर दोनों साइड से क्रिस्प होने तक, गोल्डन कलर आने तक फ्राई सेकना है। और ये देखिए बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इन्हें भी चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं साइज़ में ये फूल कर बड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये बेक हो चुके हैं अच्छे से। और पीछे से भी आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अभी ये बहुत ही सॉफ्ट है इसलिए केयरफुली हैंडल करें। और इन्हें हम निकाल लेंगे, बाकी के बचे हुए रोट को भी हमें इसी तरह से बेक करना है। फ्रेंड्स, आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये ठंडे होने के बाद बिल्कुल कुकीज़ की तरह क्रिस्प हो जाते हैं। और मैं आपको सभी को पलट के दिखाती हूँ कितना अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही परफेक्टली बेक हो गए हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। रेसिपी को फॉलो कर ज़रूर बनाएँ।
और मैं तोड़ कर भी आपको दिखा देती हूँ अंदर से कितना अच्छा जाली सा बना हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।